अगर किसी मर्द या औरत की शहवत को बांधना हो, यानी उसे ठंडा करना हो, उसको नपुंसक बनाना हो, तो ये जो अमल मैं आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ये अमल अपने आप में बेमिसाल है, लाजवाब है। दुश्मन औरत मर्द हो या कोई औरत मर्द हो, जिसको जिसका शहवत बांधना बहुत ज़रूरी हो गया हो, जो फाहिशा हो गई हो या कोई एकदम से आवारा हो चुका हो, उसको संभालना हो या दो लोगों को अलग करना हो, दो लोगों के नाजायज रिश्ते को ख़त्म करना हो, तो ऐसे में ये अमल ना बड़े काम का है और बड़ा ही ज़बरदस्त कामयाब अमल है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और औरत या मर्द को ठंडा करने के लिए, उसके शहवत को बांधने का ये बेमिसाल अमल आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने तिलिस्मी दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। साथियों, इस अमल को मैं बहुत ही क्लियर लफ्ज़ों में, साफ लफ्ज़ों में आपको बता दूँ कि इस अमल को किसी भी आयरे गैरे नत्थु खैरे को आज़माने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही तो छोटी छोटी बातों पर इस अमल को करने की ज़रूरत है, बल्कि इस अमल को ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है जहां पर इस अमल को इस्तेमाल करने की इजाज़त है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का पति आवारा हो चुका है, वो अपने पत्नी का हक़ अदा नहीं करता, हक के जौजियत, वजीफ़ जौजियत अदा नहीं करता, वो कहीं और मुंह मारता फिरता है और वो कहीं और सुकून तलाश रहा है, जबकि असल सुकून उसकी अहलिया उसके घर पे है, उसकी औरत उसके घर पे है, तो ऐसे में उस मर्द की शहवत को बांधना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, जो कि बाद में खुला भी जा सकता है। और वहीं पर अगर कोई औरत फाहिशा हो जाए, वो आवारा हो जाए, उसका चाल चलन कैरेक्टर ख़राब हो जाए, तो उसको भी संभालना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में उसके शहवत को बांधा जाए, उसको नपुंसक बनाया जाए, तो उसको सुधारा जा सकता है और उस पर उसके बुरे कामों पर लगाम लगाया जा सकता है। और अगर आप किसी दुश्मन औरत या मर्द के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए ठोस वजह होनी ज़रूरी है कि वो दुश्मन हो। ऐसा नहीं कि किसी के साथ ज़रा सी तूतू मैमा हो जाए और उसके लिए, उसको नपुंसक बनाने के लिए, उसके शहवत को बांधने के लिए आप ये अमल करने लग जाएं, ऐसा ना करें। बल्कि ऐसे दुश्मन के लिए इस अमल को करना जायज़ है कि जैसे कोई दुश्मन है और वो समाज में गंदगी फैला रहा है, किसी के साथ उसके नाजायज संबंध हैं, तो अब इन दोनों को अलग करना है। तो अगर दुश्मन की शहवत को बांध दिया जाए तो वो उस औरत के लायक नहीं रहेगा, या उस औरत को की शहवत को बांध दिया जाए तो वो दुश्मन मर्द के लायक नहीं रहेगी, फिर दोनों का मिलना जुलना बंद हो जाएगा और दोनों की जो है, जो अश्लीलता है, जो शहवत है, वो बन जाएगी, तो इस तरह से वो दोनों अलग हो जाएंगे और इस तरह से इन दोनों को सबक भी सिखाया जा सकता है। तो दुश्मन अगर किसी के साथ नाजायज संबंध में है, तो और अगर दुश्मन मर्द या औरत किसी के नाजायज संबंध में नहीं है, किसी भी तरह के किसी के साथ नाजायज संबंध में नहीं है, तो वहाँ पर फिर बहुत ही ठोस वजह होनी चाहिए दुश्मनी के लिए कि वो दुश्मन बहुत ही जालिम हो, जाबिर हो, वो जुल्म सितम करता हो, रुपया पैसा रुतबा हर चीज़ में वो आपसे बहुत ज़्यादा हो, आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो, तो ऐसे में उसको सबक सिखाने के लिए उसकी शहवत को बांध के आप उसको सबक सिखा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि सबक सिखाने के बाद आप इस अमल को करके उसकी शहवत को खोल दें, ताकि उसकी अहलिया के साथ नाइंसाफी ना हो। जब वो दुश्मन सबक सीख जाए, मर्द या औरत,
सबक सीख जाए तो उसकी शहवत को खोल देना चाहिए, ताकि औरत है तो वो सबक सीख जाए तो उसके मर्द को तकलीफ़ ना हो, और अगर मर्द है तो उसकी औरत को तकलीफ़ ना हो। इस तरह से ये कानून, मैंने ये तरीका आपको बताया सही काम के लिए, जो मैंने बताया उसके लिए ही इस अमल को करना जायज़ है, उसी में आपको कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज़ कामयाबी नहीं मिलेगी, और नुकसान आपको कोई हो तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी ख़ुद की होगी। तो ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आपको आपके दुश्मन की मुखबिरी करनी होगी, उसको उसकी एक्टिविटी का ख्याल करना होगा कि कब वो कहाँ आ जा रहा है, और जहाँ पर वो पेशाब करे उस पेशाब की हुई जगह की मिट्टी आपको चाहिए होगी, वो मिट्टी आप लेकर आइए और उस मिट्टी को किसी डब्बे में बंद कर दीजिए, प्लास्टिक का हो, कांच का हो, कैसा भी डब्बा हो बंद कर दीजिए, मिट्टी ज़रा सी हो और डब्बा बड़ा हो, ताकि खोलते समय आपको किसी भी तरह की नसाजत हाथ में ना लगे। मिट्टी भर दें, डब्बे में बंद कर दें। अब आपने क्या करना है कि सूरे लहब यानी तब्बत यदा अभी लहबी मतब, सूरे लहब सूरे तब्बत यदा आपने पढ़नी है 101 मरतबा आपने पढ़नी है, और उस मिट्टी पर, दुश्मन की पेशाब वाली मिट्टी पर फूंक मार देना है। फूंक मार के कहना है कि मैंने फला की शहवत को बांध दिया है, और जब तक मैं न खोलूं तब तक न खुले। इस तरह से आपने 21 दिनों तक करते रहना है। 21 दिनों के अंदर ही हो सकता है, पहले दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन, सातवें दिन, दसवें दिन, ग्यारहवें दिन, विद इन 21 डेज उसकी शहवत बन जाएगी और वो अजीबोगरीब हालत का शिकार हो जाएगा। कैसी भी दवा वो कर ले, कैसी भी दुआ वो कर ले, कहीं से कोई भी ओझाई कर ले, कोई भी कुछ समझ में नहीं आ, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ है और इसको कैसे ठीक किया जाए। जब वो एकदम से परेशान हो जाए, एकदम से पस्त हो जाए, जब आप उसको सबक सिखा दें, जब वो सुधर जाए, तो आप इसी अमल को करके आप उसी मिट्टी को रखे रहिए और उसमें थोड़ा पानी डाल के अब आप इसी अमल को दोबारा से कर दीजिए, उसकी शहवत खुल जाएगी, उसकी नपुंसकता खुल जाएगी। तो इस अमल को इसी तरह से और इसी तरह के लोगों के लिए करना जायज़ है और ऐसे ही किया जाना चाहिए। तो कुछ छूट नहीं रहा है शायद, हाँ, अगर कोई हिंदू भाई करना चाहता है तो वो इस अमल को इसी ही तरह ही करेगा कि वो सूरह तब्बत यदा सूरह लहब को पढ़ेगा। हिंदी कुरान देखिए 30वें पारे में है। इसी तरह अमल किया जाए और दुश्मन का नाम के साथ उसके बाप का नाम या उसकी माँ का नाम अगर आपको पता है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है आप इतना भी कह सकते हैं कि फलां के लिंग को मैंने बांधा और जब तक मैं ना खोलूं तब तक ना खुले। तो बहुत ही यकीन के साथ, क्योंकि सूरह लहब दुश्मन के लिए एकदम अचूक सूरह है। और यहाँ पे ज्ञान बांटने वालों के लिए मैं थोड़ी बातें अर्ज कर दूं कि जो कहते हैं कि किसी को सज़ा देने का अधिकार हमको नहीं है, वो इस बात को जान लें कि वाकई में हमको सज़ा देने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस तरह के अमलियात को करके जब बंदा रब की बारगाह में अपने दुश्मन के लिए इंसाफ मांगता है तो रब तबारक व ताला की जानिब से, अल्लाह के हुक्म से वो चीज़ें होती हैं, ना कि हमारे हुक्म से होती हैं। हमारे हुक्म, हमारे ताबे तो कुछ भी नहीं है, और रब तबारक व ताला तो हर शय पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो, ये अमल आपको यकीनन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो जिस तरह बताया गया है, जैसे बताया गया है वैसे ही करें, और जिन लोगों के लिए बताया गया है उन लोगों के लिए करें, जिनके लिए नहीं बताया गया उनके लिए ना करें।
अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अमल ताबीज़ नुस्खे उपाय के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम, आदाब।